हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग मिलकर के इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अपडेट जो है हम सब लोगों को लगातार मिलती जा रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हम सब लोगों को पता हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वही पुराने सवालों को दोहराते रहते हैं। लेकिन इसके विषय में मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है तो आप उसको बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि अगर कुछ नया सवाल होता है तो इससे नए लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है केवाईसी को लेकर के फिर से सवाल किया, तो इसके बारे में हमारे एस मुफारे सर जो है पहले से बता चुके हैं हम सब लोगों के लिए कि अभी हमें केवाईसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि केवाईसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जब लेन देन का मामला शुरू होता है इसकी हमें ज़रूरत तभी पड़ती है। लेकिन अभी कोई भी लेन देन का मामला तो शुरू हुआ नहीं है, हमारे वॉलेट के अंदर अभी कोई एप्पल्स भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें इससे पहले कि जितने भी प्रोसेस है उसको पहले कंप्लीट करना है, जिससे कि जब हमारा एक स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी काम कंप्लीट होता जाएगा तो डेफिनेटली एट लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट में हमारे पास एप्पल्स ज़रूर आने वाले हैं। तो बस यही एक चीज़ है कि केवाईसी को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे वॉलेट के अंदर एप्पल्स आना शुरू हो जाएंगे और हम सब लोगों से ऑलरेडी बोला भी जाएगा कि आप सब लोग केवाईसी करने के लिए रेडी हो जाइए, और बेसिकली सभी लोग रेडी तो हैं ही, सभी के पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं, सभी के पास जो कुछ भी हैं वो सभी के पास अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है लोगों ने पहले से हैं सभी लोगों के पास। कुछ लोगों की आईडी बच्चों की है, कुछ लोगों की आईडी जिनकी उम्र 18 साल से कम है उन लोगों की है, तो ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई दे रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एसर भी इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे कि हमें इस हिसाब से इन लोगों के साथ क्या करना है। तो आपके पास मल्टीपल आईडी हैं, 2, 4, 6, 10 जितनी भी आईडी हैं बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने मल्टीपल आईडी को क्यों लिया है आप अच्छे से बेहतर जानते होंगे, ये तो और कोई नहीं जान सकता है कि आपने क्यों ली हुई है मल्टीपल आईडी। तो सभी की देखभाल करना, सभी की केवाईसी करना और सभी आईडीज़ को मैनेज करना, ये सभी आप लोगों की ही ज़िम्मेदारी है जिसके पास मल्टीपल आईडी हैं। क्योंकि आईडी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आईडी को लेने के बाद में मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर देखा जाए तो एक ही आईडी काफ़ी है हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए। लोगों ने मल्टीपल आईडी ले रखी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आईडी ही काफ़ी है आपके पास अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए और भी बहुत सारी जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा करने के लिए एक आईडी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग जो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें केवाईसी करने के लिए कब ऑप्शन मिलेगा, केवाईसी हमें कब होगी, तो मैं आपको डेफिनेटली इतना बता सकता हूँ कि जब हमारा ओबीएस आ जाएगा तो उस ओबीएस के अंदर हमें सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे। और अभी हमें इस चीज़ को स्किप करना है पूरी तरीके से, अभी हमें इसकी कोई बात ही नहीं करनी है केवाईसी की, क्योंकि केवाईसी से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें पूरा करना है। केवाईसी हमें एट लास्ट मोमेंट में पूरी करनी पड़ेगी, सबसे बाद में पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रीसेलर कस्टमर आएंगे उनको भी अपनी केवाईसी करनी है, उनको भी कुछ ऐसा बेनिफिशियल यहाँ पे मिलने वाला है कि वो भी हमारे ऑन पैसिव के अंदर काम कर पाएंगे और अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर पाएंगे, तो केवाईसी तो उनको भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उससे पहले ये रेवेन्यू आएगा किस तरीके से, उसकी पाइपलाइन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार की जा रही है, और जैसे ही ये पाइपलाइन पूरी तैयार हो जाती है आपका केवाईसी ऑप्शन पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, फिर हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको अपलोड करके हम तुरंत अपना केवाईसी कर सकते हैं। ई केवाईसी और केवाईसी में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें आप ज़्यादा परेशान मत होना, ई केवाईसी और केवाईसी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसी होती हैं। वो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारा ई केवाईसी होता है और केवाईसी हमारा कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट फोटोस्टेट करा करके हम कहीं सबमिट कर देते हैं तो वो केवाईसी होता है। तो दोनों एक ही प्रोसेस होती हैं, वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है, वो एक फिजिकल फॉर्म में होता है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कुछ लोग ई केवाईसी और केवाईसी में भी जो है बहुत ज़्यादा अपने माइंड में कुछ बातें बिठा के बैठ गए थे,
आई होप आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको KYC के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अभी इस चीज़ को स्किप करना है पूरी तरीके से। एस मुफारिज सर ने हमसे अच्छी तरीके से बता दिया है, बोल दिया है, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे बैक ऑफिस के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएगी। अगर कोई भी वीडियोस में बता रहा है कि आपको KYC कर लो, ये है वो है, तो वो अभी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, आप उस पर पूरी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे एंड वी आर इन इट टू विन इट।